सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पल पल बदल रहे मौसम का मिजाज, बदलते मौसम ने व्यापारियों और गेहूं खरीदी केंद्र वालों की धड़कनें बढ़ा रखी है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे गढ़ौला और झारी सोसाइटी में किसानों से खरीदा हुआ 8000 क्विंटल गेहूं मैदान में पड़ा है। खरीदी किए गए गेहूं के रखरखाव के कोई इंतजाम नहीं है, प्रशासन और परिवहन ठेकेदार को इसकी कोई परवाह नहीं है कि बारिश होती है तो खुले मैदान में पड़े 8000 क्विंटल गेहूं का क्या होगा। परिवहन वालों को बार बार वाहन भेजने के लिए सूचना दी जा रही है, फिर भी वह वाहन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सोसाइटी वालों ने बताया कि 50 गांवों के किसानों का यहां गेहूं बेचने की स्वीकृति है। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश होती है और रखा हुआ गेहूं बर्बाद होता है तो सरकार और ठेकेदार हाथ खड़ा कर देते हैं, सारा ठिकरा सोसाइटी वालों पर फोड़ देते हैं। खुराई से मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। बारदाने की समस्या, अभी बारदाना खत्म हो किसान खड़े हैं और करीब 3000 क्विंटल का खुली में पड़ा है, जो कि अगर बहुत ही है वर्षा वगैरह उससे काफ़ी नुकसान होने का अनुमान है, परिवार नहीं हो रहा है। धारा सोसाइटी में क्या है आप? सहायक प्रबंधक प्रभारी। कितना गेहूँ है अभी? अभी 3000 क्विंटल पड़ा है खुले में। कितने दिन से वाहन नहीं आया? अभी 2 दिन से।